हम आए पटना गांव में जो बड़ोटा से 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर सुरन सिंह जी रावरी थे। इन्होंने जैसे कॉल किया था कि आपको सांप घुसा हुआ है घर के अंदर, तो हम आए यहाँ पर आकर देखा तो एक किचन के अंदर एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था, जिसको नागिन भी बोलते हैं भारतीय भाषा में हमारे, और इसको फिटार भी बोलते हैं, गेवन बोलते हैं, खरस बोलते हैं, पलटू बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो कि हमारे नाड़ी तंत्र में चलता है, नसों के अंदर चलता है, और सांपों को मारे नहीं, ये प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को कॉपी नहीं करें, ये हम प्रशिक्षण के हिसाब से करते हैं इस कार्य को। और जब भी कोई स्नेक बाइट करे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है, एंटीवेनम लगता है आपकी जान बच सकती है, और झाड़ फूक गोजा बोनी चक्कर में ना रहे वरना जान गवा बैठोगे। दोस्तों बहुत ही खोखा रहे ये, देख सकते हो आप, नागिन है और इसकी तकरीबन उम्र होगी अभी 7 से 8 साल की, और इसकी जो लंबाई है वो है 1.25 फीट या 2 फीट के लगभग है, 1.5 से 2 फीट के लगभग। और ये हमने इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है, इसको इसके अनुकूल वातावरण में जाकर रिलीज कर देंगे। आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, और हमारे यूट्यूब पर चैनल है प्रीति स्नैक सेवर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पटना से एक नागिन को रेस्क्यू करके लाए थे, बहुत ही खूंखार दिख रही है, तो इसको इसके अनुकूल वातावरण में रिलीज कर देंगे। ये जंगल आ गया है, बहुत खूंखार मारी रही है, आप देख सकते हो इसी खूंखार। इसको इसके अनुकूल वातावरण में हमने रिलीज कर दिया है। दोस्तों हमारा कार्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।